हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप किसी ट्रकिंग कंपनी में ट्रक चलाते थे और अब आप उस कंपनी में काम नहीं करते और वो कंपनी वाले आपको आपके पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप उस कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में कैसे कंप्लेन कर सकते हो। लेबर कोर्ट में कंप्लेन करने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। वैसे ये फ़ोन से भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर से ज़्यादा ईजी रहेगा। और आपने उसमें एक अडोब रीडर डाउनलोड करना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का लिंक होगा, वहाँ से आपने ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और इसको अडोब रीडर में आपने ओपन करना है। इसके अलावा आपने आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपके सिग्नेचर चाहिए, आपको एक ब्लू पेन चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि मेरे पास तो रंग बिरंगा पेन है, तो इसमें से मैं तो ब्लू वाला सेलेक्ट करूँगा क्योंकि साइन हम मोस्टली ब्लू रंग के पेन से करते हैं। तो आपके पास ब्लू पेन होना चाहिए। तो आपने एक पेपर पर अपने साइन करवाने, मैं तो ऐसे ही अपने साइन कर रहा हूँ, वो मेरे साइन ही ऐसे ही जल्दी दिखाने के लिए, एग्जांपल के लिए। आप जैसे आपने साइन करते वैसे आपने अपने एक साइन एक पेपर पर कर देने हैं ब्लू पेन से, और उसकी आपने फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपने ज़्यादा बुरे कैमरे वाला फ़ोन नहीं यूज़ करना, ठीक ठाक सा कैमरा हो या अच्छा कैमरा हो, है ना, तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी इसकी ठीक ठाक हो। तो अभी मैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 यूज़ कर रहा हूँ, इसका अच्छा है कैमरा, तो इससे मैं क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो क्लिक हो गई है। अब मैं इसको यहाँ चेक भी कर लूँ कि फ़ोटो ठीक ठाक आ गई है। हाँ, ये फ़ोटो ठीक आ गई है। इसके बाद आपने ये फ़ोटो को आपके पीसी में कॉपी कर लेना है। तो अब मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि अब मैंने इस अपने फ़ोन को अपने पीसी से कनेक्ट कर लिया है, तो इसमें अब मैं इस फ़ोटो को कॉपी करूँगा। अब मैं इस फ़ोटो को मूव कर रहा हूँ मेरे पीसी में, तो ये पेस्ट कर दी यहाँ पर मैं। अब मैं इस फ़ोटो को एडिट करूँगा, मैं इसको यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये एमएस पेंट में ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा और जो हमारे यहाँ पर मैं साइन हुए हैं इस सिर्फ इसको मैंने क्रॉप करने, तो पहले इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। जो पेंट जिस जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं जो एरिया हमने क्रॉप करने है, उसके बाद क्रॉप पर क्लिक कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं हम। तो ठीक है, तो हमारी फ़ोटो ये सेव हो गई, हम इसको ओपन करके फिर से देख लेते हैं। तो ये सेव है, आप देख सकते हो कि ये सिर्फ साइन है हमारे। ओके, तो अब ये हमारा साइन वाला हो गया है। तो अब हम ये फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। तो इसको हम Adobe PDF रीडर में ओपन करेंगे। तो ये वाला फॉर्म है, इसके 7 पेज हैं, तो अब हम इसको फिल करेंगे। तो अब इसमें हम अपने डिटेल फिल करेंगे, इसको आप ह्यूमन जूम आउट अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं करना, हम इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर मैं लास्ट नेम है, जो आपका लास्ट नेम लिखा होता है वो हम लिखेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना लास्ट नेम डाल रहा हूँ ग्रेवाल, तो आपने अपना नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में वो लिखना है फर्स्ट नेम, तो मैंने फर्स्ट नेम राजू लिख दिया। तो अब इसके बाद है आपका मिडिल इनिशियल, वो आपको ज़रूरत नहीं, अगर आपका मिडिल नेम है तो उसका आपने उसका जो फर्स्ट लेटर वो डालना है। उसके बाद आपका नाम एड्रेस आ गया, तो ये एड्रेस भी मैं ऐसे ही कुछ डाल रहा हूँ, जो आपका एड्रेस है, जो स्ट्रीट का नाम है और आपके मकान का जो नंबर है वो आपने लिखना है जहाँ पर मैं आप रह रहे हो। तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे 123 ABC स्ट्रीट। उसके बाद सिटी है, जो जिस सिटी में आप रहते हो, सिटी का नाम ब्रैम्पटन लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद स्टेट जो है आपकी जो भी है ओंटारियो है, तो ओंटारियो लिख रहा हूँ। ओंटारियो के सिर्फ 2 अक्षर ही लिखेंगे हम, 2। उसके बाद है जो पोस्टल कोड, कोई जो आपका पोस्टल कोड है वो आपने लिखना है, तो ऐसे ही मैंने पोस्टल कोड लिख दिया, ये सही नहीं है, वैसे मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर भी मैं ऐसे ही कोई लिख दूँगा।
इसके बाद ऑप्शन है कि अगर आपके पास एक फ़ोन और फ़ोन नंबर है तो वो लिख दो, अदरवाइज़ को रहने दो। उसके बाद आपका जो काम था ना, जो आप ट्रक ड्राइवर हो उस कंपनी में, ट्रक ड्राइवर ड्राइवर का काम करते थे, उसके वो लिखने हैं अपने, जैसे लिख दिए क्लास 1 कमर्शियल ड्राइवर, कुछ भी आप लिख सकते हो, या ट्रक ड्राइवर है ना, जो भी आपको सही लगता है। तो अभी मैं एज ए ड्राइवर लिख रहा हूँ क्योंकि ओंटारियो में उसको एज लाइसेंस कहते हैं ना, तो कुछ भी लिख दो, ट्रक ड्राइवर, एज ए टू ड्राइवर, क्लास 1 ड्राइवर, कुछ भी है ना। उसके बाद अगर आपके पास वर्क वीज़ा है ना, आप यहाँ के PR नहीं हो या सिटीजन नहीं हो, तो आप टेम्प्रेरी हो ना, तो टेम्प्रेरी के लिए आपने यस कर देना है। उसके बाद डेट लिखनी है, पहला दिन आपने जब इस कंपनी में काम किया था, तो आप देख सकते हैं पहले YYYY लिखा हुआ, उसका मतलब है कि 4 डिजिट का साल, उसके बाद MM मतलब 2 डिजिट का मंथ, उसके बाद DD 2 डिजिट का अपना दिन। तो जैसे साल 2021 हो गया, और मंथ जैसे हम देख लेते हैं कि जनवरी हो गया, ठीक है, तो 01, और उसके बाद जो दिन है किस तारीख को है ना, जैसे 31st, तो हमने 31 है ना, 31 लिख दिया। तो इस फॉर्म में हम फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं, जहाँ पर हम उल्टा लिखते हैं हमारे देशों से, तो जो भी इनका फॉर्म है आपने ऐसे लिखना है। और जहाँ जहाँ से आप डेट सेट भी कर सकते तो थोड़ा इजी रहेगा ना, तो इसको मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ, कैसे भी आपने लिखना है, चाहे एक एक लिख दो, या जहाँ से आपने डेट आप सेट करना, तो अपने जो फॉर्मेट है उसमें आ जाएगा। तो हम इसमें डेट, एग्जांपल के लिए मैं ऐसे ही कोई डेट सेट करूँ, तो ये हमने सेट कर देना है। उसके बाद है कि स्टिल एम्प्लॉयड, अगर अभी भी आप उसी कंपनी में काम करें, तो आपको क्या कहूँ, इतने बेशर्म हो कि आपका कंपनी में रौला भी पड़ गया और अभी भी आप काम कर रहे हो, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको खाली छोड़ेंगे। तो इसमें है कि आपके पास अपना ट्रक था जो आप उस कंपनी में चलाते थे, नहीं हम उस कंपनी का ही ट्रक चलाते थे, तो आपने कंपनी से कोई लीज पर ट्रक लिया था, ओनर ऑपरेटर थे, वो भी नहीं आना है कि आप उस कंपनी का ट्रक चलाते, तो इसलिए इन दोनों को नो करना है। अगर यस करोगे तो वो आगे डिटेल लिखनी है उसके। तो अगली ऑप्शन है कि आपके आपने कोई कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट हमने कभी नहीं करना, अपने नो पर सेट किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर पंगा है उसमें, वो गलत निकाल देते हैं तो फिर पंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो हमने लिखना है नो, क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया तो लिख देना है कि नहीं बनाए कॉन्ट्रैक्ट, हम क्यों कॉन्ट्रैक्ट करें कंपनी के साथ, है ना। तो बस मैं ये लिख देना, डिड नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सही लगता है, नो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कोई ज़्यादा आपको अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, जो आपको सही लगे लिख दो, वो समझ जाते हैं। आपने कंपनी में क्या क्या काम करना था, ये आपने खुद डिसाइड किया था कि कौन सी ट्रिप करने का है, किस डायरेक्शन में आप जाएंगे, कौन सी रूट पर, है ना। तो यस नो उस हिसाब से आपने सेट कर देना है। और ये नेक्स्ट वाली ऑप्शन ये नो ही आएगी, उसके बाद लिखा है कि अगर ये नो है तो गो टू सेक्शन बी, तो हम सेक्शन बी पर जाएंगे अब। तो ये सेक्शन बी आ गया है, तो यहाँ पर मैं हमने लिखने हैं वो ट्रक कंपनी के डिटेल्स। अब यहाँ पर मैं आपने लिखना है वो वाली ट्रक कंपनी का नाम जिसमें आप काम करते थे, जो आपके पैसे नहीं दे रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, ट्रक ट्रांसपोर्ट, है ना, अच्छा नाम रहेगा ना, तो ट्रक कंपनी है ना, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, कुछ भी ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट ही अच्छा है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद है जो क्या क्या किस तरह की कंपनी है, तो ये ट्रकिंग कंपनी है ना, ये लिख दीजिए आप। कोई ज़्यादा आपको इंग्लिश में अच्छा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि डीप इंग्लिश में जो एग्जैक्ट उसका नाम होता है, वो ऐसा है कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि अभी ये कंपनी किसी और नाम के अंडर भी चलती है, तो कई बार कंपनीज का मोस्टली सभी कंपनी का ना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो आपके लॉग बुक्स पर या चेक पर लिखा हुआ होता है। अगर आपको वो नंबर पता है तो उसके बाद वो लिख देना है अपने, वो नंबर होता है उसके बाद कैनेडा इंक या ओंटारियो इंक लिखा होता है, तो वो जो भी है ना वो आपने लिख देना है। तो
अगर नहीं पता तो इसको खाली छोड़ दो, या अगर कंपनी का कोई और नाम भी है वो अगर आपको पता है तो इसको लिख दीजिए। तो इसको पैसे को अपने एडजस्ट करना है, उसके बाद हमने वो नाम लिख देना है जो है। तो उसके बाद उनको ईजी हो जाता है ना लेबर कोड वालों को कंपनी ढूंढने के लिए कि कौन सी कंपनी है, क्योंकि ये नंबर यूनिक होता है। और यहाँ पर मैं लिखना है कि आपका वर्क का एड्रेस, जहाँ पर मैं यहाँ पर जाकर जहाँ से आप अपना ट्रक उठाते थे, जहाँ से काम शुरू किया करते थे, आपके यार्ड का एड्रेस जहाँ पर मैं ट्रक पार्क होता है। तो ये भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 420 चोर नगर। अच्छा है ना, वो ठग कंपनी तो ऐसे गंदे एरिए में रहेगी ना। सिटी आ गई, फिर आ गया वही आपकी प्रोविंस, उसके बाद पोस्ट कोड आपका कुछ लिख दीजिए जो आपका सही है। जिंदी एग्जांपल वाली वीडियो बन रही है ना, तो इसमें तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं। वैसे ये डिजिट अल्फाबेटिक होती है। ओके चलिए, और वो जो आपका कंपनी का बंदा था ना, जो आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मैनेजर सा जो अंदर होता था या डिस्पैच वाला जो भी बंदा होता है ना, तो उसका क्या नाम है ना, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, तो कंजर सही रहेगा, ठीक है। ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपने जो भी उसका नाम है बंदे का वो लिखना है। टाइटल हमने कोई नहीं देना, कोई इसको रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको क्लियर करते हैं। सही है, आप लिखना लिख सकते हो, मैं नहीं लिखने वाला हूँ। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर, मैं ऐसे ही फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ जो उसका बंदे का फ़ोन नंबर हो, ताकि लेबर कोर्ट वाले उसको फ़ोन कर सकें, वो उसका फ़ोन नंबर आपने लिख देना है। उसके बाद उनका एड्रेस जहाँ पर मैं वो लेबर कोर्ट वाले उनको चिट्ठी भेज सकें, क्योंकि एड्रेस उनके यार्ड कहीं और होते हैं, ऑफिस कहीं और होता है। तो अगर आपको पता है कि उनका कोई ऑफिस है ना, तो उसका अपने एड्रेस लिख देना। अगर नहीं है उनको कोई ऑफिस एक ही जगह पर है, तो वो ऊपर वाला ये एड्रेस है वो लिख देना है। यहाँ पर मैं एड्रेस लिखना है, अगर ऊपर वाला जो एड्रेस है वो नहीं है, कोई और एड्रेस है उनका, ठीक है। तो वो उसके बाद है कि अभी भी वो कंपनी वाला जो उनकी ट्रकिंग कंपनी वो चल रही है ना, बंद तो नहीं हुई ना, तो हमने जैसे या वो अगर दो है तो अगर और डिटेल देने पड़ेंगे। फिर जैसे तो अभी अगर वो कंपनी काम करती है, अभी ट्रकिंग का उनका अभी भी कंपनी खुली हुई है, तो हमने यस पर क्लिक करने और सेक्शन सी में अभी जाना है। अब सेक्शन सी में है कि आपके पास डिटेल्स क्या क्या हैं, है आपके पास आपकी लॉग बुक्स वगैरह हैं, ट्रिप शीट, जो डिलीवरी डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटो वगैरह आपने क्लिक कर अपने पास रखी हुई है। अगर रखी हुई है तो यस कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। अगर नो है, अगर आपके पास लॉग बुक नहीं है तो उनको रीज़न बताइए ना, क्यों नहीं है आपके पास लॉग बुक्स, है ना, तो वो होती हैं, तो इसे यस करके नेक्स्ट। और यहाँ पर मैम लिखना है कि वो आपको पे कैसे करते थे, क्या रेट था पे का, तो वो जैसे जो माइल के हिसाब से करते थे, तो जैसे अगर वो 60 सेंट पर माइल करते थे ना, तो हमने लिख देना है कि 60 सेंट्स पर माइल। जो भी आपके वो डिटेल्स हैं वो सारे यहाँ पर मैं आपने लिख देने हैं। और यहाँ पर मैं नीचे लिख देते हैं कि डिलीवरी पिकअप के कितने पैसे होते थे, है ना, क्योंकि वन मोर देन वन मेथड हो गए ना, माइल्स के आपको इतने पैसे मिलते हैं, और भी इतने पैसे होते थे जो डिलीवरी वगैरह के होते हैं ना, वो यहाँ पर मैं हमने लिख देना है। अगर और डिटेल्स हैं उनके तो वो होती हैं, वेटिंग टाइम कितना होता है ना, वो सब हमने यहाँ पर मैं लिख देना है। तो वेटिंग टाइम कितने टाइम के बाद स्टार्ट होता था, मोस्टली कंपनीज में 2 आवर के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन हर कंपनी का अपना अपना हिसाब होता है। तो जो भी जितने टाइम के बाद उनका वेटिंग टाइम स्टार्ट होता है, तो वो भी लिख देना है आपने। उसके बाद जो और बाकी डिटेल हैं सैलरी के बारे में, ये भरने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऊपर लिख ही दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देना है हमने कि आखिरी दिन वहाँ उस कंपनी में हमने किस दिन काम किया था, जो जिस भी दिन आपने आखिरी ट्रिप की थी, ट्रक आपने जिस दिन आकर यार्ड में छोड़ा था ना, उस वो कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी, वो अपने यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देनी है। फॉर्मेट वही है इसका, पहले साल फिर मंथ फिर डे, तो ये अपने सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर वो कितने दिनों के बाद सैलरी दिया करते थे,
वीकली, मंथली, डेली, है ना, ट्वाइस ए मंथ, एवरी टू वीक, है ना, तो जो भी है वो लिख देना है। मोस्टली कंपनीज वीकली होती हैं, कुछ ट्वाइस ए मंथ भी होती हैं, तो वो लिख देना है। उसके बाद हमने जाना है नेक्स्ट सेक्शन पर, यहाँ पर में हमने लिखने हैं पैसों का हिसाब किताब कि कितने पैसे उनसे हमने लेने हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ कब से कब तक, है ना, तो वो डेट देख देनी है कौन सी तारीख तक आपको पैसे नहीं मिले हैं उन कंपनी से, वो कंपनी वाले पैसे नहीं दे रहे हैं कितने दिनों के, है ना, वो आपने यहाँ पर पहले सेट करना है। तो हम इसको सेट कर देते हैं, जो भी आपके पैसों का हिसाब किताब है कितनी डेट से कितनी डेट तक वो कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए आपके, वो आपने यहाँ पर हमें सेट करवाना है सब सही देख कर अपना। तो इस एग्ज़ाम्पल में मैं तो ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो उसके बाद कितने पैसे हैं कंपनी वालों ने आपको कितने पैसे देने हैं, है ना, तो मैं देखता हूँ इसको कितने, तो जो भी है ना 1500 लिख देता हूँ, एस्टिमेटेड है। ठीक है, तो एक ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि 1500, 225 या 1513 रुपये इतने पैसे ना, वो एस्टिमेटेड से एग्जाम्पल आपको पूरा सही कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं वो लिख देना। उसके बाद जो और कोई है तो वो लिख देना, अगर उन्होंने कोई पैसे वगैरह आपके काटे हैं तो वो भी आप यहाँ पर मैंशन कर दीजिए, वो सारे आप डिटेल यहाँ से मैंशन कर सकते हैं, वो सारा हिसाब किताब आपने जो भी है वो सारा आपने यहाँ पर में लिख देना है। तो ये इस केस में हम इसको नहीं लिखते हैं, अदर पे में हम लिख देते हैं कि हमारी अगर आप कॉरपोरेशन पे काम करते हो 13% HST होती है ओंटारियो में, ना, तो वो मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ HST 13%, है ना, जो भी अगर कोई और चार्जेस वगैरह हो जो भी है वो अपने सारा मैंशन करते हैं। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लिख देता हूँ कितने पैसे बने हैं। अब मैं कैलकुलेटर से 1500 का जो 13% हुआ वो कैलकुलेट कर दूंगा, तो वो करेंगे 0.13, तो ये आ गया हमारा 195। तो यहाँ पर मैं हम 195 लिख देंगे, जो भी जितनी आपका जो भी पैसे हैं अपने लिख देंगे। उसके बाद कैलकुलेट टोटल, तो ये टोटल आ गया कि 1695 रुपये कंपनी वाले ने हमारे देने हैं। तो मैं कई बार ये रुपये कह देता हूँ, डॉलर कह देता हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से वो समझ जाना कि मैं ज़्यादातर रुपये कहता हूँ, डॉलर कम कहता हूँ, है ना। तो उसके बाद है हमने सेक्शन डी में जाना है। पहले होता था कि हमने यहाँ पर तक भर कर छोड़ देना, उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, लेकिन अभी उन्होंने लास्ट टाइम मैंने कंप्लेन की तो उन्होंने बोला था कि ये अब आगे फॉर्म फिल कीजिए, हम अब चाहते हैं कि आप पूरा फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद सेक्शन ई में हमने नो पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने उनसे उनके पास कोई एग्रीमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था ना, तो नो पर क्लिक करना है और गो टू सेक्शन एफ। अब सेक्शन एफ में है कि आपकी कंप्लेन आपकी तरफ से कोई और कर रहा है, है ना, तो उस केस में ये पहली ऑप्शन आपने यस करनी है, अदरवाइज आप अपनी कंप्लेन खुद ही कर रहे हो तो आपने नो पर क्लिक करना है। ये कोई आपका फैमिली मेम्बर या कोई आप किसी वकील के पास गए वो आपकी कंप्लेन कर रहे तो उसके इसमें वो ऐसे भरेगा, वो यस पर क्लिक करेगा ना, जहाँ आपकी फैमिली मेंबर कोई आपकी वाइफ कंप्लेन कर रही है आपकी तरफ से ना, जहाँ आपका ब्रदर कोई भी फैमिली मेंबर कोई फ्रेंड कर रहे तो उसके बारे में, तो उनके लिए है ये। अब आपकी कंप्लेन खुद कर रहे हो ना आपकी कंपनी के खिलाफ आप कंप्लेन जी, तो आपने नो पर क्लिक करना है और गो टू सेक्शन जी। तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे और सेक्शन जी में जाएंगे हम। तो जो ये सेक्शन जी है ये है कि अगर आपके में आपने नो लिखना है क्योंकि आपने कहीं और कंप्लेन नहीं की है इस कंपनी के खिलाफ, सीधा आप लेबर कोर्ट में कंप्लेन कर रही हो ना, नो, तो आगे भी ये लगभग ये वही सेक्शन है इस सेक्शन एच में कि आपने कभी और कहीं इसके बारे में कंप्लेन नहीं की, और कंप्लेन की थी कितनी डेट को की थी कहाँ की थी वो सब सेलेक्ट करना है। तो हम सीधा लेबर कोर्ट में कंप्लेन कर रहे हैं, कंपनी वालों ने हमको पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम लेबर कोर्ट में कंप्लेन करें, तो इस सेक्शन ये वाले सेक्शन में भी हम सारा नो करेंगे, तीनों नो। उसके बाद सेक्शन आई आ गया है,
सेक्शन आई हमने खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। सेक्शन आई है कि अगर आपको डर लगता है वो ट्रक कंपनी वालों को, कि आप नहीं चाहते कि लेबर कोर्ट वाले ट्रक कंपनी वालों को बता दें कि आपने कंप्लेन की है, उस केस में आपने यहाँ पर मैं अपना जो है इनिशियल लिखनी है और डेट लिखनी है। लेकिन हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम कैनेडा में हैं, तो यहाँ पर मैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये सेक्शन आई खाली छोड़ना है। उसके बाद हमने आ जाना है सेक्शन जे में। जो सेक्शन है देखिए, यहाँ पर मैं है कि जो ट्रक कंपनी वाले हैं उनको आपका एड्रेस पता है, एड्रेस और फ़ोन नंबर, करंट एड्रेस और फ़ोन नंबर उनको पता ही होगा कि वो आपका आपको डिस्पैच भेजते हैं ना, आपके फ़ोन पर एड्रेस भी उनको पता ही होता है। जब आप काम करने के लिए फॉर्म फिल करते हो तो आपका एड्रेस वहाँ पर मैं लिखते हो, वैसे में वो लाइसेंस की कॉपी देते हो ना, तो एड्रेस वगैरह उनको पता ही होता है। तो मोस्टली केसेस में ये येस आएगा, अगर नो आएगा तो आगे लिखना है कि हाँ आप मेरा एड्रेस फ़ोन नंबर शेयर कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अगर उनके पास पहले तो हम येस करेंगे, यस देन गो टू सेक्शन के। अब सेक्शन के में हमने ये सेक्शन के है साइनों के बारे में, जो हमने अब फोटो की हुई की थी ना वो वाली हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं पहले अपना नाम मैं लिख देता हूँ राजू गरेवा, जो आपका नाम है अपने आपका नाम लिख देना है। और यहाँ पर मैं सिग्नेचर है ना, आपने यहाँ पर मैं क्लिक करना है जो सिग्नेचर का बना हुआ है पेन और नीचे बने हुए ना लाइन सी, तो यहाँ पर मैं आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं करना है ऐड सिग्नेचर पर, तो यहाँ से आपने इमेज पर क्लिक करना है। तो अब हम वो वाली फ़ोटो ओपन करेंगे जो हमने अपने फ़ोन से खींची थी, जो हमने पेपर पर साइन किए थे, उसको बाद हमने उसको क्रॉप किया था ना, वो वाली फ़ोटो हम ओपन करने लगे हैं। इसमें इस फोटो को हमने ओपन कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं वो साइन आ गए हैं जो आपने हमने किए थे ना। तो इसको अब हम सेव कर देंगे, तो अब हम इसको कहीं भी इस फॉर्म में लगा सकते हैं जहाँ पर मैं साइन करने, तो हमने सिग्नेचर वाली जगह पर रख कर इसको रख देना है। उसके बाद आज की डेट लिख देनी है, सेट कर देनी जो भी डेट है। आपकी जो कंप्लेन का ये फॉर्म है जो खुद फिल कर रहे हो ना, तो ये नेक्स्ट वाला ये खाली छोड़ना यहाँ पर मैं है, अगर कोई और फिल करे आपका फॉर्म। सेक्शन एल में जाना है, सेक्शन एल में है कि हमने देखना है कि हाँ हमने साइन कर लिए ना, ये आपके साइन है ना, इसको सेट कर लिया। दूसरी ऑप्शन है कि हमने सारा फॉर्म भर लिया है तो इसको सेट कर लिया। तो ये है, ये हमने यूज़ नहीं करना पेज 7th है ना, ये वो ऑफिस वाले ही लेबर कोर्ट वाले इसको फिल करते हैं वो अपने रिकॉर्ड के लिए ना। तो अब हमने इसको देख लेना है सारे फॉर्म को, एक बार वेरीफाई कर लेना है कि सारा कुछ जो भी लिखा है वो सारा कुछ सही है ना, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो गया ना, तो इसको आप अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना। अब हमने ये सारा जो फॉर्म भरा है इसको मेल भी करना है, तो हमने इसको PDF में सेव करना है। हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट वाली ऑप्शन पर हम सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, ये वर्चुअली प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट वाला ये बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ पर हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। उसके बाद हमने कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, इसको प्रिंट पर हमने ये नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, क्लिक कर देना यहाँ पर में हमने। उसके बाद ये PDF फाइल की लोकेशन पूछो कहाँ सेव करना है, तो हमने इसको सेव करना है एक जगह पर, तो आपको पता होगा कि ये फॉर्म भर हुआ ये फॉर्म है, इसको आपने सेव कर देना है। तो ये जो PDF है हमारी नई वाली ये सेव हो रही है, सेव हो गई है। अब हम पुरानी इस PDF को ओपन क्लोज कर सकते हैं और जो नया फॉर्म है ये देख सकते हैं, ये जो हमने फिल किया था माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ना, वो वाला ये आ गया है फॉर्म। इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि ये सारा हो गया ना प्रिंट, सारे पेज ही सेव हुए ना इसके, तो स्पेशली जो हमारे साइन हमने यहाँ पर में किए थे वो वाला आ गया है ना, वो मेन था ना, अब वो साइन किए हुए को मांगते हैं ना कि साइन किए होने चाहिए ना, तो ये आप देख सकते हैं कि जी हाँ ये हो गया है हमारा। तो अब हमने इसको मेल करना है लेबर कोर्ट वालों को, लेबर कोर्ट में कंप्लेन करने के लिए ये वाली ईमेल आईडी है। वैसे ये वाली ईमेल आईडी में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आपने इसकी ईमेल में अपने सारी स्टोरी लिख देनी है, जो भी आपकी स्टोरी है। तो कोई आपको ज़्यादा अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं, अगर आपकी इंग्लिश नहीं आती वो समझ जाते हैं ना, तो
जो भी है आपकी सारी स्टोरी, वो जहाँ पर हमें अपनी डिटेल लिख देनी है, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ना, ताकि उनको आपका पता चल जाए कि आप कौन हो। वो अपने डेटाबेस में नेम और डेट ऑफ बर्थ से अपने रिकॉर्ड रखते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आप, अच्छा होगा कि आप उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो पूरा नाम है वो ईमेल आईडी में लिख दो। उसके बाद आपका अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट है ना, एड्रेस वगैरह वो सारा आपने लिख देना, ताकि वो रिवर कोर्ट वाले आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकें। जिस तरह लिखना है आपने, जो भी आपकी सारी स्टोरी है, उसके बाद आपने, हमने जो फॉर्म फिल किया था वो वाला फॉर्म, आपकी वॉक बुक्स, और आपके पास अगर जो डिलीवरी जो करते थे या पिक करते थे ना, वो वाले जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटो, मोस्टली हम ड्राइवर अपने पास क्लिक करके रखते हैं फ़ोन पर है ना, तो अगर आपके पास वो भी हैं तो वो सारी है ना, वो सारी की सारी फाइल्स आपने इस ईमेल में अटैच कर देनी है। वो अच्छा होगा अगर अपन सभी फाइल्स का नाम अच्छे से लिख दें, तो उनको ईजी रहता है, हो जाता है ना, कि फाइल को समझने के लिए कि ये किस चीज़ की फाइल है। सभी फाइल्स अटैच कर देनी है, सारा ईमेल आपने देख लेना है कि ये सारा कुछ सही निकला है ना। उसके बाद आपने ईमेल को सेंड कर देना है, और उसके कुछ दिनों के, उसके कुछ ही टाइम के बाद आपको एक ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगी। वो होती है कंफर्मेशन के लिए कि आपने जो कंप्लेन की थी वो लेबर कोर्ट के पास पहुंच गई है, तो उसके बाद वो अपना वो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ ही दिनों में लेबर कोर्ट की तरफ से फ़ोन आ जाएगा या ईमेल आ जाएगी कि आपका जो केस है वो किसको साइन हुआ, क्या है। उसके बाद में अगर वो डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ पूछते हैं तो आपने वो उनको बताना है, देना है डॉक्यूमेंट जो भी मांगेंगे, और कोई उनको डाउट हो तो वो सारा आपने बता देना है उनको। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली ये 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने अब इसमें वीडियो में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ लग गया होगा। मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाई है, हिंदी में बनाने का मतलब था कि हिंदी तो जिनको पंजाबी समझ आती है ना, उनको हिंदी उर्दू उनको समझ आ जाती है, तो अब हिंदी में बनाने का मतलब है हिंदी उर्दू में है ना, लगभग एक सी बोली लैंग्वेज में बोलने के लिए दोनों ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो समझ आ जाए और कोई किसी के पैसे ना मार सके। अगर अब ये वीडियो आपने देख ली है तो अब आप मेरे हिसाब से अब खुद आप कंप्लेन कर सकते हो लेबर कोर्ट में। अगर आप भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो तो भी कि कोई उदास होने वाली बात नहीं है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ दिनों में बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, उसमें मैं नेक्स्ट का भी आपको बताऊंगा है ना कि क्या हिसाब है। तो ये वीडियो है मेरी आपको एजुकेशन के लिए, कि आपको जो भी है कि आपके कोई पैसे ना मार सके, आपको अपने जो पैसे हैं आपके हक के हैं वो आपको मिल जाएं। अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और आप इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, तो हो सकता है कि मेरी इस वीडियो की वजह से किसी के फंसे हुए पैसे उसको मिल जाएं और उसकी मदद हो जाए है ना। अच्छा होगा किसी के लिए अगर मेरी वीडियो जो बनाई हुई ये मेरी वीडियो किसी के लिए काम आती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है वीडियो के बारे में, कंप्लेन के बारे में ना, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, और जल्दी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा लेबर कोर्ट के बारे में और प्रोसेस के बारे में ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि जिसके पैसे फंसे हुए हैं कंपनी में, ट्रक कंपनी के इसमें है ना, वो सभी कंप्लेन कर दें लेबर कोर्ट में, क्योंकि ये आपका हक है, ये कानून के तहत हम ये कर रहे हैं, आप कंप्लेन करना आपका हक है अगर कोई आपके पैसे नहीं देता तो। ओके ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे होगा कि आपको पता लगता रहेगा ना कि कोई नई वीडियो डाला करूँगा तो आपके यूट्यूब में है ना, वो जब मेरा चैनल ओपन किया करोगे तो आपको वो वीडियोस वगैरह आ जाया करेंगी, जहाँ अगर आप सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो फटाक से आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा जब मैं कोई वीडियो अपलोड करा करूँगा ना। तो वो आपकी मर्जी है ना, सब्सक्राइब करोगे ना तो अच्छा रहेगा। मुझका भी होता है ना कि इतने सब्सक्राइबर हो गए, थोड़ा सा
खुशी हो जाती है ना। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।